हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल लर्निंग विथ पेस तो ये है सी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हुआ था नवम्बर दो हजार बारह में और ये है सी टेट का पेपर टू जिसमें हम अभी सी डी पी को करेंगे द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज़ लर्निंग डिसबिलिटीज़ आर जनरली फाउंड इन तो क्वेश्चन है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं वो जनरली कहाँ देखने को मिलती है किन बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटीज मोस्टली आपको देखने को मिलेगी द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इन स्पेशली दोज चिल्ड्रेन हुज पैटर्नल रिलेटिव हैव सच प्रॉब्लम के भाई लर्निंग डिसेबिलिटी आपको ऐसे बच्चों में देखने को मिलेगी जिनके पैटर्नल रिलेटिव्स के साथ भी यू uh, नो you know, यही सेम लर्निंग डिसेबिलिटी वाली प्रॉब्लम है इन चिल्ड्रन विद एवरेज टू सुपीरियर आईक्यू या फिर आपको ऐसे बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटीज देखने को मिलेगी जो एवरेज टू सुपीरियर आईक्यू लेवल रखते हों मोर ऑफ़न इन बॉयज़ एज कंपेयर टू गर्ल मतलब लड़कियों से ज्यादा लड़कों में आपको लर्निंग डिसेबिलिटी देखने को मिलेगी मोर ऑफन इन चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू रूरल एरियाज एज़ कंपेयर टू अर्बन एरियाज कि भाई वो बच्चे जो रूरल एरियाज से बिलोंग करते हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं उनमें आपको ज्यादा लर्निंग डिसेबिलिटीज देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज मतलब एज कंपेयर टू सिटीज सो यहां पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज द फर्स्ट वन द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इन स्पेशली दोज चिल्ड्रेन हुज पैटर्नल रिलेटिव हैव सच प्रॉब्लम तो ऑप्शन नंबर वन ऐसे बच्चों में लर्निंग डिसबिलिटीज जनरली आपको देखने को मिलेगी अ चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिट्वीन सो एंड वोज न्यूक्लियर एंड अनक्लियर ही एंड शी इज सफरिंग फ्रोम तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बच्चा सो एंड वोज इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता इनमें डिफ्रेंस को नहीं समझ पाता कई बार न्यूक्लियर को अनक्लियर और अनक्लियर को न्यूक्लियर पढ़ लेता है तो अब आपको बताना है कि ये बच्चा किस डिसऑर्डर से सफर कर रहा है डिसमोरफेमिया डिसलेक्सिया वर्ड जम्पलिंग डिसऑर्डर एंड डिसलेक्समिया सो so बेसिकली आंसर वुड बी डिसलेक्सिया तो आपने तारे जमीन पर देखी होगी ना आप देख रहे हैं कि उसमें डिसलेक्सिया ही दिखाया गया डिसलेक्सिया में क्या होता है कि बच्चे को रीडिंग प्रॉब्लम होती है वो ना वर्ड्स को गलत पढ़ लेता है जैसे सो है तो उसको वोज पढ़ लेगा या वोज है तो उसको सो पढ़ लेगा तो दैट मीन्स कि डिसलेक्सिया की अभी उसको प्रॉब्लम है इन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ थिंकिंग द फॉलोइंग स्टेप्स आर सेट टू टेक प्लेस तो यहां पर ना एक मॉडल uh, की बात हुई है दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ थिंकिंग राइट थिंकिंग का जो एक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का मॉडल है उसको आपने यहाँ अरेंज करना है कि थिंकिंग किस तरीके से डेवलप होती है किस तरीके से थिंकिंग में जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे प्रोसेस होती है वो आपको यहाँ बताना है अरेंज करना है आपको रिस्पॉन्स एग्जीक्यूशन रिस्पॉन्स सलेक्शन प्री प्रोसेसिंग या फिर कैटेगराइजेशन तो करेक्ट सीक्वेंस आपको समझाना है तो इसमें करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होगा ऑप्शन नंबर वन देखो कैसे होगा पहले आएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है कैटेगराइजेशन का मतलब ये है इस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ थिंकिंग में बताया गया कि कोई भी इंसान जब आ, आ, मतलब उसके पास जब इंफॉर्मेशन आएगी तो बेसिकली वो क्या करेगा द इंडिविजुअल विल कैटेगराइज द टाइप ऑफ डाटा ठीक है तो वो डेटा को पहले कैटेगराइज करेगा फिर वो क्या करेगा फिर वो प्री प्रोसेसिंग करेगा कि भाई डेटा रेलेवेंट है कि नहीं है या फिर वो इस चीज़ को प्री प्रोसेस करेगा कि जो डाटा उसके पास आया है वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म यूसेज के लिए है फिर उसके बाद होगा रिस्पॉन्स सलेक्शन मतलब जो रिसीव्ड डेटा है जो रिसीव्ड इंफॉर्मेशन है उसको लेकर वो रिस्पॉन्स के जो टाइप्स है वो तैयार करेगा या सेलेक्ट करेगा देन फोर्थ वन इज एग्जीक्यूशन ऑफ द रिस्पॉन्स जिसमें क्या होगा कि वो रिस्पॉन्स को एग्जीक्यूट करेगा सो so, ये ऑर्डर करेक्ट है डी सी बी एंड ए ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन गिफ्टिड स्टूडेंट्स आर जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं वो कैसे होते हैं इंडिपेंडेंट इन दियर जजमेंट क्या वो अपनी जजमेंट में इंडिपेंडेंट होते हैं आत्मनिर्भर होते हैं या फिर वो टीचर्स पर uh, इंडिपेंड टीचर से इंडिपेंडेंट होते हैं बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर उनको टीचर की जरूरत नहीं वो इंडिपेंडेंट होते हैं टीचर से या वो नेचर में इंट्रोवर्ट होते हैं नॉन एजर्टिव ऑफ देअर नीड्स या फिर वो अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक पूरा नहीं कर पाते सो so, गिफ्टेड जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली दे आर इंडिपेंडेंट इन देअर जजमेंट वो अपने जजमेंट्स में आत्मनिर्भर होते हैं मतलब वो खुद डिसीजन ले पाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पार्शियल री अब आपने बताना पार्शियल री क्या होता है क्या ये कंटिन्यूस री से ज़्यादा इफेक्टिव होता है या फिर कंटिन्यूस री से लेस इफेक्टिव होता है या फिर इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्चुअल क्लासरूम की कि भाई पार्शल री ऐसी चीज़ है जो एक्चुअल क्लास में अप्लाई नहीं की जा सकती वर्कस बेस्ट इन ट्रेनिंग एनिमल्स पार्शल री एन्फोर्समेंट एनिमल्स को ट्रेन करने में काम आता है तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर टू पार्शल री एन्फोर्समेंट कंटिन्यूस री एन्फोर्समेंट से लेस इफेक्टिव होता है देखो कंटिन्यूस री एन्फोर्समेंट क्या होता है जिसमें बार बार डिजायर्ड बिहेवियर पर री एन्फोर्समेंट दिया जाए बच्चे को और पार्शल में क्या होता है कि अकेजनली री एन्फोर्समेंट दिया जाता है तो पार्शल जो है वो कंटिन्यूस री एनफोर्समेंट से लेस इफेक्टिव है और तो पेडिकली इंपेर्ड चिल्ड्रेन आर लाइकली टू हैव डिस्ग्रेफिया डिस्तीमिया डिस्कैलक्यूलिया या फिर डिसलेक्सिया। इसमें ऑप्शन नंबर वन वुड बी करेक्ट डिस्ग्रेफिया देखो डिसऑर्डर से हमेशा एक क्वेश्चन आता है ऑलरेडी इसकी वीडियो बना रखी है तो एक बार देख लेना चेक कर लेना नेक्स्ट क्वेश्चन अडोलेसेंट्स में एक्सपीरियंस अडोलेसेंट्स जो होते हैं वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं फीलिंग आ सेसिएशन अबाउट लाइफ कि भाई उनको अपनी लाइफ को लेकर बहुत ही सेसिएशन फील होता है बहुत संतुष्टि होती है या फिर एनजाइटी एंड कंसर्न होता है उनको अपने बारे में या फिर उनके अंदर एक फियर होता है किस चीज़ का जो भी उन्होंने सिन जब मतलब पाप उन्होंने कमिट किए होंगे चाइल्डहुड में उनको लेकर उनके मन में एक फ़ियर रहता है या फिर उनको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फील होता है कि सब उन्होंने अचीव कर लिया सो बेसिकली अडोलेसेंस एक सेंसिटिव एज है और इस टाइम पीरियड में बच्चे जो हैं वो एनजाइटी एंड अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं थोड़े से कंसर्न रहते हैं अपने बारे में आपको बताना कि इनमें से मोटर स्किल्स कौन सी है हॉपिंग रनिंग फाइन मोटर स्किल्स इसमें से फाइन मोटर स्किल कौन सी है हॉपिंग मतलब कूदना रनिंग दौड़ना राइटिंग लिखना क्लाइंबिंग चढ़ना राइटिंग वुड बी करेक्ट आंसर फाइन मोटर स्किल के अलावा एक ग्रॉस मोटर स्किल भी होती है ग्रॉस मोटर स्किल में हर मसल जो है वो यूज़ होता है जो हैवी मसल्स होते हैं बेसिकली राइट जैसे कि होपिंग क्या है ग्रॉस मोटर स्किल है रनिंग एंड क्लाइंबिंग क्या है ग्रॉस मोटर स्किल है लेकिन फाइन मोटर स्किल्स क्या जैसे उंगलियों का यूज़ होता है जिसमें पूरी मसल्स का यूज़ नहीं होता पूरी हैवी मसल्स का यूज़ नहीं होता तो राइटिंग वुड बी फाइन मोटर स्किल्स वाइगॉट्स की थियोरी इंप्लाईज वाईगॉट्सकी की थियोरी को आप ध्यान में आपने आंसर देना है कोलेबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इंडिविजुअल असाइनमेंट टू ईच स्टूडेंट आफ्टर इनिशियल एक्सप्लेनेशन डू नॉट सपोर्ट अ चाइल्ड इन सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चन चाइल्ड विल लर्न बेस्ट इन द कंपनी ऑफ चिल्ड्रेन हैविंग आई क्यू लेसर देन हिज और हर ओन ऑप्शन नंबर वन वुड बी करेक्ट वैसे देखो ऑप्शन में क्या कहा गया है कि वाइगॉट्सकी क्या कहते हैं क्या उनका मानना है कि जो कोलेबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो होनी चाहिए या बच्चे को अलग अलग आ, मतलब इंडिविजुअल असाइनमेंट होना चाहिए बच्चे का अलग अलग असाइनमेंट होना चाहिए या फिर उनका ये मानना है कि इनिशियल एक्सप्लेनेशन देने के बाद बच्चों को डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प ना करो या फिर बच्चे उन बच्चों से ज़्यादा सीखते हैं जिनका उनसे आई लेवल बहुत ही कम होता है तो इसमें ऑप्शन नंबर वन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज मतलब भाषा में अर्थ की सबसे कौन सी छोटी इकाई है कौन सी स्मॉलेस्ट यूनिट है वैसे ये हमने इंग्लिश पैडागोजी में अच्छे से किया हुआ है ये वाला पार्ट अगर आपने इंग्लिश पैडागोजी नहीं देखे तो वो सीरीज जरूर देखना तो देखिए देख लेते हैं अभी कि क्या क्या ऑप्शंस हैं और आ, कौन सा इसका करेक्ट आंसर है सिंटेक्स मोरफीम फॉर या प्रेगमेटिक्स वेल well, अगर हम स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो वो है मोरफीम नेक्स्ट क्वेश्चन अ चाइल्ड ऑफ 16 इयर्स स्कोर्स 75 फाइव इन एन आई क्यू टेस्ट हिज मेंटल एज विल बी डैश ईयर्स आपको बताना है कि एक बच्चा जिसकी एज है 16 साल की एंड उसने आई में कितना स्कोर किया है 75। तो अब आपको मेंटल एज निकालनी है तो इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है आई क्यू इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इन टू हंड्रेड राइट अब आई क्यू हमारा बताया हुआ है यहाँ पर सेवेंटी फाइव मेंटल एज हमने निकालनी है और राइट एंड क्रोनोलॉजिकल एज भी बताई हुई यहाँ पर वो कितनी है सिक्सटीन है अपोन में सिक्सटीन करके इंटू में हंड्रेड कर दो अब जब मेंटल एज इस साइड आ जाएगी क्यों क्योंकि हमने मेंटल एज निकालनी है तो सेवेंटी फाइव इधर चला जाएगा इन टू में सिक्सटीन हो जाएगा और हंड्रेड नीचे आ जाएगा जब आप इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा ट्वेल्व आएगा कैसे ट्वेंटी फाइव थ्री टाइम्स इज सेवेंटी फाइव एंड फोर टाइम्स इज हंड्रेड फोर फोर टाइम्स इज सिक्सटीन ठीक है तो थ्री और फोर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेल्व आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आई क्यू स्कोर्स आर जनरली डैश को रिलेटेड विद एकेडमिक परफॉर्मेंस एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ आईक्यू स्कोर का क्या रिलेशन है कितना आ, तरीके से ये मतलब कितने लेवल पर ये रिलेटेड है एक दूसरे के साथ परफेक्टली हाईली मॉडरेटली या फिर लीस्ट तो इसमें मॉडरेटली आंसर करेक्ट होगा क्योंकि जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है ना ये मल्टी डायमेंशनल है ये इंटेलिजेंस के साथ भी जुड़ी हुई है मेटा कग्निशन के साथ भी आईक्यू के साथ भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ भी तो आईक्यू के साथ इसका एक मॉडरेटली कोरिलेशन है नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिमाइजेस मोटिवेशन टू लर्न अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से मतलब ये जो फॉलोइंग है कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभी प्रेरित करता है मतलब कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बच्चे को ज्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए प्रेरित करता है एक्सट्रेंसिक फैक्ट मतलब जो बाहर से मोटिवेशन uh, मिलता है वो या मोटिवेशन टू अवॉइड फेलियर की बच्चा भी फेल नहीं होना चाहता टेंडेंसी टू चूज वेरी इजी और डिफिकल्ट गोल्स या फिर पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन मीटिंग टारगेट तो सबसे बेस्ट होता है पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन मीटिंग टारगेट मतलब जब बच्चा इंट्रेंसिक मोटिवेटेड हो थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इंप्लाइज द फॉलोइंग एक्सेप्ट अब आपने बताना है एक्सेप्ट मतलब किस एक को छोड़कर ओके सो क्वेश्चन क्या थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इंप्लाइज द फॉलोइंग एक्सेप्ट तो कौन सी ऐसी चीज है जो थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में नहीं आती ऑप्शन देखो डिसिप्लिन शुड बी प्रेजेंटेड इन अ नंबर ऑफ वेज लर्निंग कुड बी असेस्ड थ्रू अ वेराइटी ऑफ मीन्स कि भाई लर्निंग जो है वो अलग अलग मीन्स के थ्रू हो सकती है इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड विद आई क्यू कि आई क्यू के साथ इंटेलिजेंट क्वेश्चन के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस का कोई रिलेशन नहीं है इंटेलिजेंस इज अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग ऑपरेशन यूज बाय इंडिविजुअल टू सोल्व प्रॉब्लम सो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू आई और ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस एंड आई इन दोनों का रिलेशन को रिलेशन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर इज अडॉप्टेड बाय अ सोशियो इकोनॉमिकल रिच फैमिली एंड द अदर बॉय बाय अ पुअर फैमिली आफ्टर वन ईयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी मोस्ट लाइकली ऑब्जर्व्ड अबाउट देअर आई क्यू स्कोर्स तो देखो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दो आइडेंटिकल ट्विन ऐसे थे जिनको अलग अलग फैमिलीज़ ने अडोप्ट किया एक बच्चे को तो ऐसी फैमिली ने अडोप्ट किया जो रिच फैमिली थी और दूसरे को एक पुअर फैमिली ने अडोप्ट किया तो अब एक साल के बाद आपको ये बताना है कि उनके आई क्यू स्कोर में क्या डिफरेंस आएगा द बॉय विद रिच सोशो इकोनॉमिक फैमिली विल स्कोर ग्रेटर देन द बॉय विद पुअर फैमिली तो पहले ऑप्शन में ये बताया है कि वो बच्चा जो रिच सोशो इकोनॉमिक फैमिली मतलब जो एक अमीर फैमिली ने अडॉप्ट किया था उसका आई क्यू लेवल स्कोर ज़्यादा होगा पुअर फैमिली आ, उस बच्चे से जो पुअर फैमिली ने अडॉप्ट किया था या दोनों का स्कोर इक्वली होगा या फिर वो बच्चा जो पुअर फैमिली ने अडॉप्ट किया था उसका आई क्यू लेवल ज़्यादा हाई होगा एज कम्पेयर टू द अदर वन या फिर लास्ट ऑप्शन में ये कहा गया है दैट सोशो इकोनॉमिक लेवल डज नॉट अफेक्ट द आई क्यू स्कोर सो यस दिस इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर कि भाई सोशो इकोनॉमिक लेवल अमीर हो गरीब हो इससे आई क्यू लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ता सो ऑप्शन नंबर फोर वुड बी करेक्ट वन असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स इन टू अकाउंट द फॉलोइंग एक्सेप्ट आपने असेसमेंट फॉर लर्निंग को ध्यान में रखकर आंसर देना दैट असेसमेंट फॉर लर्निंग इसमें कौन सी ऐसे ऑप्शन है जो इसके अंदर आता ही नहीं है लर्निंग स्टाइल विद स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट्स सो इसमें आंसर आएगा स्ट्रेंथ्स ऑफ स्टूडेंट बच्चों की स्ट्रेंथ का असेसमेंट फॉर लर्निंग से कोई लेना देना नहीं है एंड एम्पावरिंग स्कूल विल प्रमोट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज द मोस्ट इन इट्स टीचर्स एक ऐसा स्कूल जो एम्पावर्ड है वो अपनी टीचर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए या टीचर्स को प्रमोट करने के लिए बेसिकली क्या करेगा टीचर्स के लिए मेमोरी, डिसिप्लिन नेचर कॉम्पिटेटिव एप्टीट्यूड या टेंडेंसी टू एक्सपेरिमेंट सो टेंडेंसी टू एक्सपेरिमेंट वुड बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन मोनिका एक मैथ्स टीचर है वो राधिका से एक क्वेश्चन पूछती है ठीक है मोनिका क्या है एक मैथ की टीचर है और वो राधिका से क्वेश्चन पूछती है और राधिका उसका आंसर नहीं दे पाती तो मोनिका जो मैथ टीचर है वो जल्दी से दूसरे बच्चे की तरफ मूव करती है और दूसरे बच्चे से क्वेश्चन पूछती है और किससे पूछती है मोहन से ठीक है तो ध्यान रखना है कि मोनिका मैथ्स की टीचर है राधिका से क्वेश्चन पूछा राधिका ने आंसर नहीं दिया फिर उन्होंने तुरंत मोहन से क्वेश्चन पूछा अब मोहन भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया तो मोनिका मैम ने क्या किया मोहन की हेल्प की कैसे तो मोनिका मैम ने जो मैथ्स की टीचर हैं उन्होंने अपने स्टेटमेंट को रीवर्ड किया रीवर्ड करने का मतलब है अपने स्टेटमेंट को अपने क्वेश्चन को बदल कर समझाने की कोशिश की मोहन को तो अब आपने बताना है कि जो मोनिका की टेंडेंसी है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है

वो उन्होंने अपने क्वेश्चन को रिवर्ड इसलिए किया मतलब उसमें थोड़ा सा फेर बदल शब्दों की बदलावली बद, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में शब्दों को बदला क्यों है उसके पीछे क्या ये रीज़न है कि आ, मोनिका जो है आ, जो मोनिका मैम है उनको अपने क्वेश्चन पर थोड़ा सा डाउट था और उनको लग रहा था उन्होंने क्वेश्चन ठीक से नहीं पूछा इसलिए उन्होंने अपने क्वेश्चन को फेर बदल कर दिया या फिर सपोर्टिंग जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ऑफ रोल्स बाय फेवरिंग मोहन या फिर उन्होंने ये किया कि उन्होंने मोहन को फेवर किया ठीक है एक जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ऑफ रोल मतलब उन्होंने एक जेंडर स्टीरियोटाइप को फॉलो करके मोहन को फेवर किया तो इसमें करेक्ट आंसर भी फोर्थ ही है तो अब ये आंसर कैसे होगा इसमें देखो अगर मोनिका मैम चाहती तो राधिका की भी हेल्प कर सकती थी जब राधिका से क्वेश्चन पूछा और राधिका ने आंसर नहीं दिया तो तब मोनिका मैम रीवर्ड कर सकती थी अपने क्वेश्चन को मतलब उसमें फेर बदल करके राधिका को समझाने की कोशिश कर सकती थी बट मोनिका मैम ने यह चीज सिर्फ मोहन के साथ की मोहन की हेल्प की तो यह साफ साफ दर्शाता है कि उन्होंने मोहन को फेवर किया तो ऑप्शन नंबर फोर वुड बी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन द बेस्ट वे टू अवॉइड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन अ स्कूल में बी स्कूल में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कैसे अवॉइड किया जा सकता है ऑप्शन वन सेलेक्शन ऑफ मोर बॉयज देन गर्ल्स फॉर अ म्यूज़िक कंपटीशन लड़कों को म्यूजिक कंपटीशन में प्रायोरिटी दे दी जाए एज़ कंपेयर टू गर्ल्स मेटा कॉग्निशन ऑफ देयर जेंडर बायस्ड बिहेवियर बाय टीचर्स टीचर्स को मेटाकॉगनीशन होनी चाहिए सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए उनको ये पता होना चाहिए कि वो जेंडर बायस्ड बिहेवियर को बढ़ावा दे रहे हैं रिक्रू रिक्रूटमेंट ऑफ़ इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर्स तो इक्वल नंबर से मेल एंड फीमेल टीचर्स को भर्ती करना फॉर्मेशन ऑफ अ रूल टू शन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द स्कूल एनफोर्स इट स्ट्रिक्टली ऐसे रूल्स बना देना कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और इसको स्ट्रिक्ट बैन कर देना सो so, इसका करेक्ट आंसर क्या है देखो ऑप्शन दोबारा Uh, पढ़ो एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ो क्वेश्चन में ये कहा है कि स्कूल में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं ऑप्शन नंबर टू वुड बी करेक्ट तो मेटा कॉग्निशन का मतलब होता है सेल्फ अवेयरनेस देखो टीचर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं स्कूल में और अगर टीचर्स ही ये अंडरस्टैंड करने लग जाएं कि उनका जो जेंडर बाइज्ड बिहेवियर है वो गलत है तो टीचर्स को जब ये सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगी तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अपने आप खत्म हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर टू वुड बी करेक्ट वन Which of the following would be the most appropriate way to encourage disadvantaged children to attend school regularly? जो disadvantaged बच्चे हैं वो daily school में आए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कौन सा appropriate तरीका है बच्चों को daily पाँच रुपये देकर attract करना या फिर उनके लिए residential schools open करवा देना not allowing children to attend school, मे बी मेड अ लीगली पनिशेबल ऑफेंस कि हम इसे एक पनिशेबल ऑफेंस बना देते हैं ताकि बच्चे स्कूल आए अदरवाइज उनको पनिश किया जाएगा अ चाइल्ड कलेक्टर एम्प्लॉयड बाय द स्कूल एंड मस्ट ब्रिंग चिल्ड्रन फ्रॉम होम्स एवरी डे कि भाई स्कूल की तरफ से एक चाइल्ड कलेक्टर जाएगा जो बच्चों को इकट्ठा करके स्कूल लाएगा सो so यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर टू कि रेजिडेंशियल स्कूल हमने ओपन कराने हैं जिससे घर और स्कूल की दूरी भी कम हो जाए और बच्चे स्कूल भी आना पसंद करें नेक्स्ट क्वेश्चन सक्सेसफुल इंक्लूजन रिक्वायर्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट सक्सेसफुल इंक्लूजन मतलब इसमें जो है सक्सेसफुल इंक्लूजन में कौन सा ऐसा यहां पर ऑप्शन है जो रिक्वायर्ड नहीं है कैपेसिटी बिल्डिंग सेंसिटाइजेशन सेग्रीगेशन या इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स तो आंसर वुड बी सेग्रीगेशन क्योंकि इंक्लूजन की जब बात आती है तो उसमें हम सबको मिलाते हैं तो सेग्रीगेशन वर्ड यहां पर अपने आप ही रिमूव हो जाता है द अप स्केलिंग ऑफ परफॉर्मेंस इन द स्कोलेटिक एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन को स्कोलेस्टिक एरियाज कैन बी जस्टिफाइड एज मतलब कि भाई जो ये को स्कोलेस्टिक एरियाज के आधार पर जो स्कोलेस्टिक एरियाज के लेवल को या परफॉर्मेंस को अप स्केल करना है ये किस आधार पर किया जा सकता है दैट इट इंश्योर्स यूनिवर्सल रिटेंशन इट डेवलप्स रिस्पेक्ट फॉर मैनुअल रेबर इट केटर्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इट फॉलोज द पॉलिसी ऑफ कंपेन्सेटरी डिस्क्रिमिनेशन फॉर मार्जिनलाइज स्टूडेंट इसमें आंसर होगा इट केटर्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेज की ये इंडिविजुअल डिफरेंसेज को बेसिकली केटर uh, कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाइल सेलेक्टिंग मटीरियल फॉर द पोर्टफोलियो ऑफ स्टूडेंट डैश ऑफ डैश शुड बी दे तो क्वेश्चन समझना क्वेश्चन ये है कि अगर आप एक बच्चे का पोर्टफोलियो बना रहे हैं मतलब एक स्टूडेंट का पोर्टफोलियो बना रहे हैं और उस टाइम पर आपको मटेरियल सेलेक्ट करना है उस स्टूडेंट के पोर्टफोलियो बनाने के टाइम पर तो आप मटेरियल को सेलेक्ट करते वक्त किसको ध्यान में रखोगे और ये जो पोर्टफोलियो होता है ये क्यों बनाया जाता है ताकि स्टूडेंट के प्रोग्रेस उसकी अचीवमेंट इनका ट्रैक रखा जाए राइट तो अब आप देखो इस इस क्वेश्चन को देखकर अब आप आंसर दो कि भाई अगर एक स्टूडेंट का पोर्टफोलियो बना रहे हो और पोर्टफोलियो बनाते वक्त आप किस चीज़ को ध्यान में रखकर मटेरियल को सेलेक्ट करोगे एक्सक्लूशन स्टूडेंट्स इंक्लूशन ऑफ अदर टीचर्स इंक्लूशन ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूशन ऑफ पेरेंट्स सो ऑप्शन नंबर थ्री वुड बी करेक्ट कैसे देखो अगर आप एक बच्चे का पोर्टफोलियो बना रहे हैं एक स्टूडेंट का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आप उसी स्टूडेंट को तो इंक्लूड करोगे ना तो इंक्लूशन ऑफ स्टूडेंट शुड बी देयर तभी तो आप उसके प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट्स को लेकर आप एक मटेरियल तैयार कर पाओगे और उसका ट्रैक रख पाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ द फॉलोइंग द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन इज दैट इंटर डिसिप्लिनरी का मतलब होता है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होना जैसे कि सपोज करो मैं एक इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करूँ तो इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो एस एस टी के साथ भी जुड़ा हुआ है साइंस के साथ भी जुड़ा हुआ है मतलब सारे सब्जेक्ट जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों उसे कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी स्टूडेंट्स आर लाइक लेस लाइकली टू डिवेलप आर डिस लाइक फॉर पर्टिकुलर टॉपिक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट एरिया मतलब विद्यार्थियों में अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उनके विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदी विकसित होने की कम संभावना होती है मतलब अगर इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाया जाता है तो बच्चे जो हैं वो दूसरे सब्जेक्ट को आ, ना पसंद करें ऐसा कम ही होता है नेक्स्ट है टीचर्स आर परमिटेड ग्रेटर फ्लैक्सीबिलिटी इन प्लानिंग लेसन एंड एक्टिविटीज़ कि जो टीचर्स हैं उनको लेसन uh, प्लान करने के लिए या फिर एक्टिविटीज़ प्लान करने के लिए जो ग्रेटर फ्लैक्सीबिलिटी uh, है वो परमिट की जाती है स्टूडेंट्स आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू जनरलाइज एंड अप्लाई न्यू लर्न नॉलेज इन मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट तो स्टूडेंट्स को इंटर इंस्ट्रक्शन में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि भाई वो अलग अलग एरियाज में अपने लर्न नॉलेज को अप्लाई कर सकता है टीचर्स आर लेस लाइकली टू फील ओवरवेम्ड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ टॉपिक्स नीडेड टू बी अंड्रेस्ड इन ट्रेडिशनल करिकुलम। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अ टीचर कैन मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग फन फॉर स्टूडेंट्स बाय डूइंग ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट एक टीचर जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब फ़न को बेसिकली आपने ये बताना है कि जो एक शिक्षक है ना मतलब एक टीचर है किसके अलावा बच्चों के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व को फन बना देता है राइट गिविंग टाइम फॉर फ्री प्ले प्रोवाइडिंग एंडलेस अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएटिव थिंकिंग एक्सपेक्टिंग परफेक्शन फ्रॉम द स्टूडेंट्स वाइल दे आर ट्राइंग टू डू थिंग्स बाय देम प्रोवाइड ओपन एंडेड मटीरियल तो देखो भाई अगर एक टीचर को प्रॉब्लम सॉल्विंग फ़न बनाना है तो वो बच्चे के लिए ऐसी क्या चीज़ें जो नहीं करेगी तो वो है ऑप्शन नंबर थ्री वो हर बार परफेक्शन को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते राइट right? इसके अलावा हम उनको फ्री टाइम भी देंगे ताकि प्रॉब्लम सॉल्विंग फन बन सके मतलब फ्री टाइम इंद फ्री प्ले अपने तरीके से वो कर सकते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करेंगे ओपन एंडेड मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे राइट right? लेकिन ऑप्शन नंबर थ्री है ऐसी चीज़ें जो हम ये प्रो प्रोवाइड भी नहीं करेंगे ना एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चा जो है परफेक्शन के साथ आए नेक्स्ट ए लर्नर हू डेमोन्स्ट्रेट एन अर्नेस्ट डिजायर फॉर इंक्रीज नॉलेज एंड अकेडमिक कॉम्पिटेंस आर सेट टू हैव एक बच्चा जो है उसकी ये अर्नेस्ट डिजायर है कि उसकी नॉलेज इंक्रीज हो उसकी अकेडमिक कॉम्पिटेंसी इंक्रीज हो तो ऐसे बच्चे के अंदर आपको कौन सा ओरिएंटेशन देखने को मिलता है मास्टरी परफॉर्मेंस अप्रोच परफॉर्मेंस अवॉइडेंस या वर्क अवॉइडेंस तो ऑप्शन नंबर वन वुड बी करेक्ट मास्टरी ओरिएंटेशन ऐसे बच्चे जो हैं वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं अपनी नॉलेज को एंड एकेडमिक कॉम्पिटेंसी को इंक्रीज करने में लगे रहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन ऑर्डर टू इंस्टिल अ पॉजिटिव एन्वायरमेंट इन अ प्राइमरी क्लास प्राइमरी क्लास में एक टीचर पॉजिटिव एन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए क्या करे बच्चों को डेली मॉर्निंग करे या फिर बच्चों में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो एंड उनके लिए सेम गोल सेट करे अलाउदैम टू मेक ग्रुप्स इन दियर ओन बच्चों को बोले कि वो अपनी मर्जी से जो है एक ग्रुप बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोशियोमेट्री ड्यूरिंग ग्रुप एक्टिविटीज़ या फिर अच्छी अच्छी कहानियां बताई जो पॉजिटिव एंडिंग्स पर ख़त्म होती हैं तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर फोर वुड बी करेक्ट ऐसी कहानियां जो बच्चों को पॉजिटिविटी दे जिसकी पॉजिटिव एंडिंग हो तो इससे पॉजिटिव माहौल क्रिएट होता है विच वुड बी द बेस्ट फर्स्ट थीम टू स्टार्ट इन द नर्सरी क्लास नेबरहुड स्कूल फैमिली बेस्ट फ्रेंड सो माय फैमिली क्योंकि बच्चे अभी घर से निकल कर ही स्कूल में आए ना तो वो घर के साथ ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं इसलिए माई फैमिली वुड बी द बेस्ट थीम and the first theme also which of the following is true in relation to errors made by children aapko true answer par correct karna hai errors can be corrected by children themselves therefore a teacher should not immediately correct them ke bhai jo errors hai jo truti hai wo bacche khud bhi सोल्व कर सकते हैं खुद भी रेक्टिफाई कर सकते हैं टीचर को जरूरत नहीं है कि बार बार जाकर rectify करें If a teacher is not able to correct all the errors in the classroom, it indicates the system of the teacher education has failed. अगर एक teacher classroom में बच्चों के error कोई दूर नहीं कर पा रही है तो that means system का जो education का system है वो fail हो चुका है A teacher should not notice every error. मतलब एक teacher को जो है हर error को notice नहीं करना चाहिए ऐसा करेंगे तो syllabus complete नहीं होगा या फिर एक teacher को जो है एरर्स uh, को करेक्ट करना चाहिए दैट वुड टेक टू मच टाइम एंड बी टायर सम फॉर द टीचर सो करेक्टिंग एवरी मतलब यहाँ पर ये दिया गया है कि ऑप्शन नंबर फोर में कि भाई ये कह रहा है कि टीचर uh, अगर बार बार हर एक एरर को करेक्ट करेगी तो बड़ा ही टाइम लग जाएगा टीचर को करेक्ट करने में एंड इतना टायर सम हो जाएगा टीचर के लिए भाई टीचर थक जाएगी एट द एंड सो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर टू कि एक टीचर को अगर यही नहीं है कि भाई वो क्लास में बच्चों के एरर्स को कैसे दूर करे तो इसका मतलब जो एजुकेशन सिस्टम है वो फेल हो गया ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज द होल मार्क ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपने बता ना प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का इनमें से कौन सा होल मार्क है देयर इज एन इम्प्लिसिट हिंट गिवन इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम uh, जो है लर्नर्स को एक इंप्लिसिट हिंट देते हैं द प्रॉब्लम इज ओरिजिनल देअर इज़ यूजअली वन अप्रोच फॉर गेटिंग द राइट आंसर द प्रॉब्लम इज़ बेस्ड ऑन ओनली वन प्रिंसिपल देखो इसमें ऑप्शन नंबर वन करेक्ट क्यों होगा पहले तो सारे ऑप्शन को हम काट के देखते हैं पहला जो सेकेंड ऑप्शन है ये कटेगा क्यों क्योंकि प्रॉब्लम इज़ ओरिजिनल हम प्रॉब्लम जो है हाइपोथेटिकल भी बना सकते हैं नेक्स्ट है कि प्रॉब्लम को एक ही अप्रोच से ठीक किया जा सकता है एक ही अप्रोच से उसका राइट आंसर निकाला जा सकता है इनकरेक्ट है अलग अलग अप्रोच यूज़ करनी चाहिए नेक्स्ट है आ, कि भाई जो प्रॉब्लम है ये एक ही प्रिंसिपल या टॉपिक पर बेस्ड हो ये भी गलत है तो इसलिए ऑप्शन नंबर वन करेक्ट हो गया इसके अलावा प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या होता है ना कि हम अगर इम्प्लिसिट हिंट दे देते हैं तो बच्चों को थोड़े से उसमें हेल्प मिल जाती है राइट सो so यहाँ पर हमारा जो ये सी uh, डी का जो ये सीरीज है बेसिकली हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं ये कंप्लीट होता है नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट पेपर वन सॉरी सीट पेपर टू क्योंकि ये हमने पेपर वन किया है आई आई थिंक मैंने आपको ये पेपर टू ना बताया वो गलती से ये सीटट पेपर वन है और अभी हम सीटेट का पेपर टू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि हुआ था नवंबर 2012 में चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल टेतन बाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो